हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक एंड ज्ञान। मैं आपका अपना हिमांशु कौशिक लेके आऊँ एक और नई वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप भी एक स्मार्टफोन बाय करने की सोच रहे हैं और आपका बजट सिर्फ और सिर्फ 20,000 की रेंज तक है, तो उस 20,000 के अंदर आपको कौन से ऐसे फ़ोन हैं जो आपको बेस्ट फीचर के साथ मिल जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन पे सेट कर दें ताकि आपको मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में हमारे फिफ्थ नंबर पे आता है रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स। जी हाँ, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स। इस फोन के अंदर आपको 6.67 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है। और वहीं प्रोसेसर की बात करें तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का एक बहुत अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है। और वहीं इसमें 6GB की आपको रैम दी जाती है। और स्टोरेज की बात करें तो आपको 64GB की इसमें स्टोरेज मिल जाती है। और 5020mAh की एक बैटरी बैकअप मिल जाता है। और वहीं इसमें रियर कैमरे की बात करें तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि 64MP प्लस 8MP प्लस 5MP प्लस 2MP का दिया जाता है। और वहीं फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 32MP का फ्रंट कैमरा दिया जाता है। और ये फ़ोन आपको सिर्फ और सिर्फ 16,499 रुपीज़ की रेंज में मिल जाता है। तो हमारी इसी लिस्ट में फोर्थ नंबर पे आता है मोटरोला वन फ्यूजन प्लस। जी हाँ, मोटरोला का वन फ्यूजन प्लस। इस फोन के अंदर आपको 6.50 इंच की फुल HD डिस्प्ले दी जाती है। और वहीं प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का एक प्रोसेसर मिल जाता है। और वहीं रैम की बात करें तो 6GB की आपको इसमें रैम दी जाती है। और वहीं साथ ही साथ 128GB की आपको इसमें स्टोरेज दी जाती है। 5000mAh का बैटरी बैकअप आपको इसमें मिल जाता है। और वहीं रियर कैमरे की बात करें तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप 64MP प्लस 8MP प्लस 5MP प्लस 2MP का दिया जाता है। वहीं फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें 16MP का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है। और ये फ़ोन आपको सिर्फ और सिर्फ 17,499 रुपीज़ की रेंज में मिल जाता है। तो इसी लिस्ट में हमारा थर्ड नंबर पे आता है पोको X2। जी हाँ, पोको X2। तो इस फोन के अंदर आपको 6.67 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का वही प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर रैम की बात करें तो 6GB की आपको रैम मिल जाती है। और साथ ही साथ 64GB की आपको स्टोरेज दी जाती है। और बैटरी बैकअप की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 4500 का बैटरी बैकअप मिल जाता है। और वहीं रियर कैमरे की बात करें तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप 64MP प्लस 2MP प्लस 8MP प्लस 2MP का रियर कैमरा सेटअप दिया जाता है। और वहीं फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें आपको डुअल फ्रंट कैमरा दिया जाता है, जो कि 20MP प्लस 2MP का कैमरा है। तो ये फ़ोन आपको सिर्फ और सिर्फ 17,499 रुपीज़ का मिल जाता है। तो हमारी इस लिस्ट में सेकेंड नंबर पर आता है सैमसंग गैलेक्सी M31। जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी M31। तो इस फ़ोन के अंदर आपको 6.15 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। और वहीं प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको सैमसंग का एक्सनोस 9611 का प्रोसेसर दिया जाता है। 6GB की आपको रैम मिल जाती है। वहीं साथ साथ 128GB की आपको इसमें स्टोरेज दी जाती है। और अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें बहुत अच्छा 6000mAh का बैटरी बैकअप मिल जाता है। वहीं इसमें 64MP प्लस 12MP प्लस 5MP प्लस 5MP का क्वाड कैमरा रियर मिल जाता है। और वहीं फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें 32MP का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है। ये फ़ोन आपको सिर्फ और सिर्फ 19,499 रुपीज़ की रेंज में मिल जाता है। हमारी इस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे आता है Realme 7 Pro। जी हाँ, Realme 7 Pro। तो इस फ़ोन के अंदर आपको 6.14 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का आपको एक अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है। और वहीं रैम की बात करें तो इसमें आपको 8GB की रैम दी जाती है। और साथ ही साथ 128GB की आपको स्टोरेज दी जाती है। और इसमें बैटरी बैकअप आपको 4500mAh का बैटरी बैकअप मिल जाता है। और वहीं इसमें क्वाड कैमरा का रियर कैमरा मिल जाता है। तो वहीं इसमें क्वाड रियर कैमरा दिया जाता है, जो कि है 64MP प्लस 8MP प्लस 2+2MP का। और वहीं फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा आपको दिया जाता है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, ये सभी फ़ोन आपको सिर्फ और सिर्फ 20,000 की रेंज में मिल जाते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, लिंक मैंने दे दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।